हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर दिस ब्रो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फाइनली आप सभी का एक नए वीडियो शुरुआत कर चुके हैं और ये शूट हो रहा है वीडियो दशहरा के समय में 2024 में। तो ये वीडियो अभी आप सभी को दिखाने वाला है हम लोगों का सबसे बड़ा मेला जो कि कॉलेज साइड में लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं टाइम लैप्स के जरिए वीडियो। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मतलब कि लंबा हो सकता है, इसलिए हम आप सभी को टाइम लैप्स के दिखा रहे हैं और ताकि समय कम समय में आप वीडियो देख सकें। और आगे चलते हैं हम लोग को कुछ दिन टाइम के, जैसे कि आगे गए हम लोग बहुत बड़ा जाम मिल गया हम लोगों को। बाकी कोई ना, हम लोग इस जाम को भी मतलब कि कुछ मिनटों में पार कर लिया। तो कुछ मिनट में उधर से एक पंच वाले, जो तो टाटा की पंच है, वो कार बीच रोड में लगाई थी उन्होंने, तो साइड में किया तो उससे जाम खुल गया और हम लोग आगे बढ़े। जैसे ही मेन गेट पर की गेटों पर भीड़ भाई, भाई मेला पे घूमते हैं इसे बड़ा सुकून से, लेकिन डर रहे ये बात के कि कहीं बाइक चोरी ना हो जाए। काहे कि बिन पापा से बताए हम बाइक लेके गए थे। हाँ, अगर जो दहेज के रही तो कोनो बात ना लगा भाई, फिर दूसरा मांग लेती, कह देती कि चोरी हो गई। ठीक है, ये मेला के देखे नजारा ना भाई, आवे के मन ही नहीं करते रहे। तब तक हमारे दोस्त घड़ी की दुकान पे आ गए और सोचने से कि हमसे एक घड़ी देखा जाए कोई अच्छा सा। हमारे दोस्त एक घड़ी देखा था जो उनकी पहन लेवा, हालांकि ये स्मार्ट वॉच पहन लेवा, फिर भी मतलब एक नॉर्मल घड़ी देखा था। हम पूछने का है भाई, तो कहते कि ना भाई हमके अच्छा लगे ला, बोले क्यों ना ठीक है ले ले भाई अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग घड़ी देखें, उसके बाद में सोचे कि अब मेला घूमते हैं पूरा। यहाँ तो हम ये सोच के परेशान बनी भाई कि ये प्रोग्राम अभी ना होत बा तो इतना भीड़ बा, होत हुई तो कितना भीड़ होत हुई भाई। ये रहा हम इसके मेला के मुख्य कारण, जाना खातिर हम इसके मेला आयल बनी सर। और ये मेला हम लोग इसीलिए आए हैं ताकि हम लोग ये सामान खरीद सकें, ताकि रनिंग के समय में हम लोग का जो बाल है वो मतलब कि आज तक नहीं आ पाए, मतलब उससे थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए हम लोग को ये चीज़ ही मतलब पर्सनली इसी चीज़ के लिए हम लोग मेला आए थे, ताकि ये चीज़ हम लोग को मिल जाए और मेला भी घूम ले। तो हम लोग को ये चीज़ भी मिल गया और मेला हम लोग भी घूम लिए। तो चलिए, ये चीज़ तो हम लोग सिर्फ ट्राई किए हैं ताकि अच्छा लग रहा है कि नहीं, पर हम लोग को अच्छा नहीं लगा, हम लोग दे दिए भैया को। और इस चीज़ में से हम लोग दो पीस लिए हैं, एक आनंद के लिए एक अपने के लिए। हम लोग मेला घूम ही रहे थे तब तक हमारा एक दोस्त मिला जो कि मुझला करवा रहा था। सॉरी, ये मुझला नहीं हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ वीडियो शूट हो रहा था। तो हम लोग कुछ नहीं मतलब ऐसे ही बातचीत किए और यहाँ से देख सकते हैं मेला का नज़ारा, काफ़ी सारा सेल्फी बूथ स्टिक आया था और किसी ने कुछ ऐसा किया। और तब तक हम लोग एक टिकट लिए और एक टिकट लेकर ऊपर हम लोग चढ़ गए, ताकि हम लोग को भी पूरा व्यू देखना था मेला का, ताकि कैसा मेला दिख रहा है। तब तक भाई साहब हमको दिख गए और हमको नहीं दिखे, समझ में तो दिखाया गया हमको कि हम भाई वो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने कुछ ना चल तक हम लोग ऊपर गए, वहाँ से व्यू देखे, भाई साहब इतना स्पीड किया था ना भाई, मत पूछो भाई, काफ़ी ज़्यादा स्पीड था। मतलब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये स्लो मोशन में है और मतलब कस्टमाइज किया गया है, स्पीड स्लो, स्पीड स्लो, लेकिन काफ़ी तेज़, मतलब कि उस टाइम में काफ़ी तेज़ चलाया गया था, मतलब जिससे कि मतलब मोबाइल भी छूटने का मतलब हम लोग का हाथ में था, लेकिन मतलब देख सकते हैं वहाँ ऊपर से मतलब मेला का व्यू की कितना अच्छा आ रहा है मेला का, मतलब काफ़ी। हम सिर्फ यही चीज़ देखने के लिए हम लोग मतलब हमने टिकट कटाया था, हम लोग टिकट क्या कटाए थे, मतलब ब्लैक से टिकट लिया था हम लोग, मतलब ऐसा नहीं कि 60 रुपये इसमें प्राइस था। तो हम लोग 3 आदमी गए थे तो लगभग 180 रुपया हुआ, लेकिन हम लोग मतलब ब्लैक से लिए थे तो 100 रुपये में आराम से काम हो गया था हम लोग का। तब तक हमारे कालू भाई दिखे थे बट अब नहीं दिखेंगे शायद। तो अब हम लोग का साइड लास्ट ही है, उसके बाद उतरेंगे, उसके बाद हमको उतना मतलब मेला घूमने का मन नहीं किया था। ये देख सकते हैं ऊपर से पूरा व्यू, जब वो मतलब ऊपर रुका था हम लोग के लिए, मतलब नीचे उतारने के लिए तब का व्यू था,
ये काफी अच्छा रहा उनका। ये रहा पूरा ऊपर से व्यू, आप देख सकते हो इतना मस्त, मतलब पूरा बहुत भीड़ था उस दिन, मतलब हम लोग जिस दिन गए थे। और यहाँ पे भी देख सकते हो तो मेला में देख सकते हो कितना भीड़ था, मतलब भाई लोग इधर चश्मा वश्मा खरीद रहा था, लोग इधर सब परचून का दुकान था, काफ़ी अच्छा लगा था मेला हम लोग को, काफ़ी अच्छा। मतलब यहाँ पे हम लोग तो आए थे तो भाई यहाँ पे अंकित ले रहा है असली, मतलब कि कुछ काम के लिए, तो हमने सोचा कि इसमें से कुछ देखते हम भी। तब तक हमको नज़र पड़ा यहाँ पे एक खुरपी रखा हुआ था बहुत बड़ा बड़ा भाई, तब तक हमने सोचा कि हम भी एक वीडियो बनाते हैं ताकि देखते हैं इस खुरपी से कौन, हमने इनसे पूछा कि खुरपी मतलब कौन चलाता होगा, तो उन्होंने बोला कि कोई कोई मांगता है मतलब ऐसे ऑर्डर से। वो तरीके वहाँ से आते ही गुब्बारे वाले भैया दिखे, बट हमने गुब्बारे नहीं खरीदा, बल्कि उसमें से जो सारे लाइट होते हैं हमने खरीद लिया। हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो गुब्बारे खरीद के क्या करेंगे। बट यहाँ पे जो होने वाला था काफ़ी घटनायक होना था, बच गई भाई। और हम लोगों को भूख भी लग गया था, तो खाना खाकर हम लोग मतलब कि निकल गए वहाँ से, ताकि हम लोग को अब घर चलते हैं, क्योंकि रात के 11 बज गया था और हम लोग 11 बजे तक मेला घूम रहे थे। मतलब ऐसे तो नॉर्मली मेला के दिन में दशहरा में, बट हम लोग को मतलब इतना किसी से कह के नहीं गए थे कि हम लोग मेला जा रहे हैं, बट फोन आया तो हम लोग बोल दिए कि हम मेला में हैं, तो उससे कोई इतना मतलब ज़्यादा नहीं है। बट हम लोग जो चीज़ लाए थे मतलब वो चीज़ हम अपने गाड़ी में लगाए थे, तो आप बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है गाड़ी में, मतलब ऐसा अभी लगाए नहीं है बट। और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आप सभी का इंतज़ार रहेगा एक कमेंट का हमें, ताकि आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा प्लीज़। एक कमेंट तो एक लाइक बनता है इस वीडियो को।